Hello everyone, you are welcome back once again. I'm on MDN Education. Today in this video we are going to discuss next notice for class 11th and 12th. तो आज का जो नोटिस रहेगा वो रहेगा नंबर के अकॉर्डिंग 13th, ठीक है। तो आज हम नोटिस करेंगे वो कोई मतलब ऐसे नहीं होगा, कोई इवेंट से रिलेटेड नहीं होगा, बल्कि वो लॉस्ट एंड फाउंड से रिलेटेड करेंगे हम। पासा जो नोटिस होंगे वो लॉस्ट एंड फाउंड के करेंगे। तो फर्स्ट नोटिस है आज का, यू हैव ड्रॉप्ड योर फाइल कंटेनिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट समवेयर इन द स्कूल और कॉलेज प्रीमाइजेज। मतलब आपने अपनी जो ओरिजिनल फाइल थी, ठीक है, फाइल थी जिसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे आपके, वो कहीं स्कूल प्रीमाइजेज में, प्रीमाइजेज मतलब एरिया के अंदर है, जो वो खो दी है। राइट अ शॉर्ट नोटिस फॉर द स्कूल स्लैश कॉलेज नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग द फाइंडर टू रिटर्न इट टू यू। और आपने स्कूल या फिर कॉलेज नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखना है जिससे आप हैं जो वो फाइंडर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसे आपको वापस कर दे। यू आर रामलाल ऑफ ABC स्कूल और कॉलेज मेरठ, कि आप हैं जो वो, आपका नाम रामलाल है, ठीक है। तो देखो ABC स्कूल स्लैश कॉलेज मेरठ, तो ABC स्कूल मेरठ नोटिस लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। डेट लिख दी गई है, आई हैव लॉस्ट माई फाइल समवेयर इन द स्कूल कैंपस। The file contains my original certificates and the finder is requested to return it to me or deposit it with the principal office. A suitable reward will be given to the finder of the file. Ramlal, class लिख दें ऊपर, ठीक है, और नंबर मैंने पहले लिख दिया है, बढ़िया बाई मिस्टेक। तो आप ऊपर लिख दें क्लास, रोल नंबर 572 एंड क्लास है 12th A, ठीक है। तो ये था लॉस्ट का जो, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आपकी कोई भी वाटर बॉटल गुम हो गई है, कोई कॉपी गुम हो गई है, तो इस तरह से कोई भी आप हैं जो वो इसके अंदर ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं इसको, आई हैव लॉस्ट, ठीक है, ABC स्कूल मेरठ नोटिस है किसके लिए है, लॉस्ट 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 के लिए। ये पेपर में आता है कई बार, मोस्टली आ जाता है ये लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। आई हैव लॉस्ट माई फाइल समवेयर इन द स्कूल कैंपस। अब यहाँ पर फाइल गुम हुई है तो वहाँ पर आपका टिफिन गुम हो सकता है, आपकी वाटर बॉटल गुम हो सकती है, आपकी कोई कॉपी गुम हो सकती है, आपकी कोई हेल्प बुक टेक्स्ट बुक गुम हो सकती है, कोई भी चीज़ आपकी गुम हो सकती है, ठीक है, पैसे गुम हो सकते हैं, तो उसे रेट लिख सकते हैं। द फाइल कंटेन्स माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट, द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मी और डिपॉजिट इट विद द प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है, या तो मुझे वापस कर दें या फिर प्रिंसिपल ऑफिस में इसको डिपॉजिट कर दें। अ सुटेबल रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर ऑफ द फाइल, भी फाइल को कोई ढूंढने वाले को क्या क्या दिया जाएगा, एक सुटेबल रिवॉर्ड दिया जाएगा। रामलाल, ठीक है, क्लास 12th A, रोल नंबर है 572। और आज का जो हमारा नेक्स्ट नोटिस है, नोटिस नंबर 14th, वो क्या है, वो भी लॉस्ट से ही रिलेटेड है। You are a student of DAV Senior Secondary School, Panipat, and you have lost your wrist watch. हाँ, कि जैसे मैंने कहा था कुछ भी गुम हो सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा दूसरा तरीका है, आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं और ये भी, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक पैटर्न आप चूज कर सकते हैं। और देखो, यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच इन द स्कूल गार्डन, ठीक है, गार्डन आए, प्ले ग्राउंड आए, ठीक है, या स्कूल प्रीमाइजेज आए, स्कूल कैंपस आए, बात एक ही होती है, ठीक है, बस आप नाम चेंज कर देना है। तो आपकी जो रिस्ट वॉच है वो स्कूल गार्डन के अंदर गुम हो गई है, एंड राइट अ नोटिस रिगार्डिंग इट। तो आपने इसके रिगार्डिंग क्या करना है, नोटिस लिखना है, DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल पानीपत नोटिस लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। डेट लिख देनी है, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू, ऐसे लिख सकते हैं, वहाँ पर हमने सीधा लिखा था आई हैव लॉस्ट, ठीक है, तो इट इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच समवेयर इन द स्कूल गार्डन और प्ले ग्राउंड। द वॉच इज SMT मेक, वॉच है जो वो किसकी बनी है, SMT की है, ठीक है। इट हैज अ गोल्डन डॉयल, DIAL है ये, DIAL डॉयल, एंड ब्लैक लेदर स्ट्रैप, इसका जो स्ट्रैप है मतलब जो फीता है वो क्या है, ब्लैक है, ब्लैक लेदर का है। एंड द वॉच इज अबाउट ओनली 1 month ओल्ड, और जो घड़ी है वो केवल 1 महीने ही पुरानी है, अभी उसको 1 महीना ही हुआ है परचेज किए हुए। हूएवर फाइंड्स इट, जिस किसी को भी ये मिलती है, प्लीज़ रिटर्न इट टू मी, मुझे वापस कर दें और डिपॉजिट इन द स्कूल, इन द प्रिंसिपल ऑफिस, या फिर इसको क्या कर दें,
जो लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन बनाया गया है उसके अंदर या फिर प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवा दें। तो लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। एंड द फाइंडर विल बी अप्रिशिएटेड बाई मी एज वेल एज बाई द होल स्कूल। तो जो फाइंडर है वो मेरे द्वारा और जो स्कूल है पूरे स्कूल के द्वारा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, मतलब आई एज वेल एज द होल स्कूल विल अप्रिशिएट हिम और हर, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं आई एज वेल एज द होल स्कूल विल अप्रिशिएट द ऑनेस्टी ऑफ हिज और हर, ठीक है। तो एक्स वाई जेड क्लास 12A रोल नंबर 32, ठीक है। तो ये जो नोटिस था इस तरह से एक ही नोटिस है, मतलब एक ही पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, तो आप दोनों पैटर्न में से कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दूसरा पैटर्न हुआ तो वो मैं जरूर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। टिल देन हैव अ गुड डे।